नमस्कार साथियों, तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। विक्रम ने चांद के आंगन में लगाई कामयाबी की छलांग, 40 सेंटीमीटर उछलकर 30 से 40 सेंटीमीटर दूर फिरकी सॉफ्ट लैंडिंग लैंडिंग। और आप देखिए, हॉप टेस्ट ने जगाई भविष्य के मानव मिशन की उम्मीद। और 25 अगस्त को रैंप की तैनाती स्थिति वायबल, लैंडर हॉप टेस्ट के बाद रैंप की तैनाती स्थिति। और दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर हॉप टेस्ट से पहले वायोर और उसके बाद चंद्र सतह का दृश्य आप लोग देख रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा है कि चंद्रयान 3 छोड़ा गया था और वो हमारा सफल भी रहा है। चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में और चंद्रयान 3 2023 में छोड़ा गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसरो की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हमारा एक अंतरिक्ष संगठन है, अंतरिक्ष एजेंसी है। और आप देखें, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आप लोगों को। अब आप देखिए, स्लीप मोड में गया विक्रम, सूर्योदय के बाद 22 को जगने की उम्मीद इसकी है। आप देखिए, कोरोना टीके का हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है। कोविड महामारी की रोकथाम के लिए भारत में इस्तेमाल टीकों कोविशील्ड, कोवैक्सीन और हार्ट अटैक के खतरे के बीच कोई संबंध सामने नहीं आया है। दिल्ली के जेबी पंत अस्पताल में भर्ती मरीजों पर किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। इससे कोरोना संकट के कारण बड़ी संख्या में हार्ट अटैक से हुई मौतें को लेकर उत्पन्न संशय दूर हो गया है आपका। सांसद लोन भारतीय संसद में अटूट निष्ठा का हलफनामा दें, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद को सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश। ये आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 35 से हटाने के बाद दो हिस्सों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप देखिए, जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगा। और शीर्ष कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लोन इसे स्वीकार करे। नेता ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि लोन ऐसा हलफनामा नहीं दाखिल करेंगे तो वे उनकी ओर से नहीं पेश होंगे। और आप देखिए, लेक्चरर का निलंबन रद्द हुआ है जम्मू कश्मीर में। आप देखिए, अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने में पक्ष रखने वाले लेक्चर जहूर अहमद वट के निलंबन को सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद प्रदेश प्रशासन ने रद्द कर दिया है। उन्हें अपने मूल ड्यूटी स्थल पर रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। तो ये सब पूर्व 370 पर सुनवाई चल रही सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। G20 बैठक में नहीं आएगा चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, शिखर सम्मेलन में चीनी दल का नेतृत्व करेंगी प्रधानमंत्री ली कछयांग। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी कर चुके हैं नई दिल्ली नहीं आने का ऐलान। तो ये आप सभी जानते हैं कि G20 की ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है ना, कौन भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और इसमें अगर आप लोग इसकी स्थापना की बात जरूर याद रखिएगा, कब इसकी स्थापना हुई थी, 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सदस्यों में आप देखें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और आप देखेंगे यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। यही आप लोग देखेंगे कि आसियान की बात हो रही है, आसियान बैठक में भी नहीं जाएंगे ये लोग। तो आसियान क्या है, तो आप देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ना, उसी की बात हो रही। 8 अगस्त 1967 में स्थापना हुई थी, जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर उसका देखने को मिलेगा। इस तरह के संगठनों से आप लोग एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, इनसे आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हिंद प्रशांत को हम बड़ी शक्तियां का मंच नहीं देखना चाहते। पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने आसियान बैठक में हिस्सा लेने कुछ 6 सितंबर को जकार्ता जा रहे हैं। और भारत में इंडोनेशिया की राजदूत एन कृष्णमूर्ति ने बताया है, उनके देश इस क्षेत्र की में बड़ी को बड़ी शक्तियों का मंच नहीं देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही मस्जिद मामले पर फैसला सुरक्षित, इलाहाबाद कोर्ट ने। या आप देखते हैं कि मथुरा में भी, आप सभी जानते हैं कि क्या श्री कृष्ण की जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद बना हुआ है हिंदू मुस्लिमों के बीच।
एक साथ चुनाव कराने से प्रभावित नहीं होगा लोकतांत्रिक ढांचा, और ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने से सरकारी धन की बचत होगी, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक व्यवस्था को बोझ कम होगा और सरकारी योजनाएं बेहतर ढंग से समय से लागू हो पाएंगी। और प्रशासनिक तंत्र पर लगातार चुनाव कराने में व्यस्त रहने की बजाय विकास की गतिविधियों में लगेगा। और ये आप लोगों ने देखा हाल ही में कि इसके बारे में हम लोगों ने कल एक क्लास पूरी ली हुई है, एक देश एक चुनाव के बारे में, तो उसे जरूर आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जो आंकड़े दिए गए उन सबको नोट कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए आप लोग, ठीक है। वो उसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मुख्य परीक्षा में भी, निबंध भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी ही खबरें हैं। ये आप देखिए, माता पिता के स्नेह का स्थान नहीं ले सकता है नाना नानी का प्यार। हाईकोर्ट ने पिता को महीने में 2 दिन बेटे से सीमित मुलाकात का दिया अधिकार। बच्चे की अभिभावक घोषित करने की मांग नाना नानी की अपील खारिज की हुई दिल्ली हाईकोर्ट ने। आजकल आप देख रहे हैं इस तरह के मामले, पारिवारिक मामले भी काफी आ रहे हैं। नौसेना कमांडरों की बैठक में समुद्री ढांचे को बढ़ावा देने की 15 वर्षीय योजना जारी हुई है, ये आप देखेंगे। क्योंकि आप देखिए, हमें नौसेना में भी अपना क्या करना होगा, हमें मजबूती रखनी होगी। संसदीय राजभाषा समिति ने राष्ट्रपति को सौंपा प्रतिवेदन का 12वां खंड। गृह मंत्री ने कहा कि राजभाषा को और अधिक लोकोपयोगी बनाए पर हुई चर्चाएं। मोदी के नेतृत्व में रॉकेट की गति से बढ़ रहा है भारत, 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखने की बात हो रही है। टेलीग्राफ में अपने लेख में बेन राइट ने बांधे प्रधानमंत्री की तारीफ के पुल, कहा राजनीति स्थिरता ने कानून सुधार, कल्याणकारी योजनाओं और कदम बढ़ाने में की मदद, हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता का भी किया विशेष रूप से उल्लेख इसमें। ये आप देखिए राजनीति की खबरें हैं। उपचुनाव देखिए कब होते हैं, उपचुनाव किसी भी कारण से कोई सीट खाली हो जाती है तो वहाँ 6 महीने के भीतर आपको चुनाव करवाना होता है, उसी को बाई इलेक्शन कह देते हैं, उपचुनाव कह देते हैं, ठीक है। कुछ राज्यों में भी देखने को भी मिल रहे हैं, तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। ये भी चुनाव आयोग ही करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग, ये आप लोगों को याद रखना है। और एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और आप सभी जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 में हुई थी, और अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ये मालूम होना चाहिए, और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय दलों में भारत की संपत्ति सबसे ज़्यादा 6,046 करोड़ रुपये है भाजपा की, और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जारी की रिपोर्ट, 2021-22 में 8 राष्ट्रीय दलों की संपत्ति 1,631 करोड़ रुपये बढ़ी है। देख लीजिए सबसे ज़्यादा भाजपा की 6,046.81 करोड़, और वहीं अगर आप लोग देखें कांग्रेस की तो 805 करोड़। तो ये आप लोगों को बताऊं, जिसकी सत्ता होती है उसे चंदा सबसे ज्यादा ही मिलता है, ये भी आप लोग जानते हैं। ये रामनगरी पहुंचा रामायण के प्रसंगों से सज्जित जटायु अयोध्या में, और आप देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। ये हाईकोर्ट ने रात में ही सुनाई दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश। ये मामला क्या है पूरा, 29 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में सवार महिला सिपाही पर प्राणघातक हमला हुआ था, और पीड़ित महिला सिपाही अर्धनग्न और बेहोशी की हालत में ट्रेन में खून से लथपथ पाई गई थी। वह इंजन से तीसरे कोच में
कोच में आप देखते थी और हालत गंभीर होने की वजह से महिला सिपाही को इलाज के लिए लखनऊ के जीएम में भर्ती कराया गया था। सुल्तानपुर में तैनात महिला सिपाही की ड्यूटी अयोध्या के सावन में मेले में लगी थी। प्रयागराज से मनकापुर जाने वाली सरयू एक्सप्रेस में वह फाफामऊ से सवार हुई और मनकापुर से वापसी के समय घटना की जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति ने दी, जिस पर अयोध्या में पुलिस टीम ने पीड़िता को अस्पताल भेजा था। मध्य प्रदेश के ओरछा में श्री राम राजा लोक का विस्तार किया जाएगा। विस्तार 19.72 करोड़ की लागत से महत्वपूर्ण स्मारक होंगे संरक्षित। 7.50 करोड़ रुपए से बुंदेला शासकों द्वारा स्थापित स्मारकों का भी होगा संरक्षण। ये आप देखेंगे ओरछा निवाड़ी जिले में पड़ता है, जो मध्य प्रदेश का नया जिला बना था ना निवाड़ी, उसी में। छत्तीसगढ़ में 4,000 जनसंख्या वाले तुलसी गांव में 2,000 यूट्यूबर, गजब। पंचायत ने सीएसआर मद से 12 लाख में बनाया स्टूडियो। हर महीने 12 से 10 से 30,000 तक की कमाई कर रहे हैं ये कलाकार, अच्छी बात है। ये नवाचार से सुदूर क्षेत्रों में सुशिक्षित समाज का संकल्प कर रहे हैं साकार। देश के समग्र विकास में सुशिक्षित समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। शहरों कस्बों तक तो बीते कुछ वर्षों में शिक्षा सुलभ हुई, किंतु जब आदिवासी और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में विद्यमान विद्याधन पहुंचा तो ज्ञान के साथ समृद्धि का भी प्रसार हुआ। राष्ट्र निर्माण का भाव सशक्त होता है। इस शिक्षक दिवस पढ़िए तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 5 सितंबर को आप लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिक्षक शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर, कहाँ 5 सितंबर को। ये आप देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे ना, उन्हीं के जन्म दिवस को मनाया जाता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 1952 से 1962 तक वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे। 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब की बात हो रही है। इस चंद्रयान 3 की काउंट डाउन को आवाज देने वाली विज्ञानी वलारमती की डेथ हो गई है दिल को दौरा पड़ने से, आप देखेंगे। ये आप देखेंगे संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल्स वाला पार्ट है, और इसे भी पढ़ लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू में हर जगह मदद करता है। और आप देखते हैं कि एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाती है। निराधार मुद्दों के भरोसे विपक्ष, ये आप सभी जानते हैं कि 2024 में क्या है, हमारे देश में लोकसभा चुनाव है। और आप देखते हैं कि 543 सीटें हैं लोकसभा में, इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, मतदाताओं के द्वारा होता है। मोदी को हटाना है और देश देश लोकतंत्र संविधान बचाना है, इस जुमले के अलावा विपक्ष के पास और क्या है? तो आप देखते हैं वही राजनीति की बात हो रही है। ये सब पढ़ना हो आप लोग पढ़ सकते हैं आर्टिकल। कई बार हम लोग राजनीति पर बात करते रहते हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा राजनीति भी अच्छी बात नहीं है। जरूरी है शिक्षकों की गरिमा स्थापित होना। शिक्षा नीति 2022 के महत्वाकांक्षी सपनों को आकार देने के लिए अध्यापकों की स्थायी व्यवस्था जरूरी है। मानव सभ्यता के संदर्भ में अध्यापन कार्य न केवल दूसरे व्यवसायों की तुलना में सदैव विशेष महत्व का रहा है, बल्कि अन्य व्यवसायों का भी आधार रहा है। आज सामाजिक परिवर्तन, विशेषता तकनीक की तीव्र उपस्थिति शिक्षक और शिक्षार्थियों के रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। साथ ही आप देखेंगे कक्षा, समाज और व्यापक विश्व के संदर्भ में शिक्षा की संस्था भी नए ढंग से जानी पहचानी जा रही है। इसके फलस्वरूप शिक्षक की औपचारिक भूमिका और व्यक्ति का क्षेत्र अतीत की तुलना में वर्तमान में नए नए आयाम प्राप्त कर रहा है। और इन सबके बीच अभी भी अध्यापक अपने गुणों, कार्यों और व्यवहार से छात्रों को प्रभावित कर रहा है और उसी के आधार पर भविष्य के समाज एवं देश के भाग्य को भी रच रहा है। एक अध्यापक को समाज से अधिकार दिया है। और आप देखिए कि वह अपने छात्र के जीवन में प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से हस्तक्षेप करे, विद्यार्थियों को भविष्य के
अपने सपने दिखाए और उनमें निहित क्षमता को समृद्ध कर उन सपनों को साकार करने के लिए तैयार करें। और ऐसा करते हुए मूल्यों और मनोवृत्तियों को भी गढ़ता है। वशिष्ठ, चाणक्य, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आदि के स्मरण से मन में गुरु की आदर्श और तेजस्वी छवि बनती है। ज्ञात हो कि राधाकृष्णन की जन्मतिथि पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षा के परिसर में अध्यापक के व्यवहार के जो नैतिक और आचारगत परिणाम होते हैं, वे समाज के नैतिक परिपक्वता और विवेक को निश्चित करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि इसलिए अध्यापक को जांचने परखने के लिए ऊंची कसौटी और मानक तय किए जाते हैं, जिन्हें दूसरे व्यवसायों के लोग आसानी से नहीं स्वीकारते हैं। अध्यापकों से नैतिक गुणों की अपेक्षा होती है। उसे आशा की जाती है कि वे अपने आचरण में उचित और अनुचित का विवेक करेंगे और योग्यता, कुशलता, गुणवत्ता उनके व्यवहार से झलकेगी। वे प्रतिबद्धता, काम के प्रति समर्पण, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पूर्वाग्रह युक्त मुक्त आचरण की मिसाल प्रस्तुत करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता विद्यार्थी की सफलता का सबसे प्रमुख आधार होता है। ऐसा सोचकर अभिभावक अपने मन में अध्यापक और गुरु के प्रति सहज सम्मान का भाव रखता रहा है। पहले ये गुरु मानसिक और व्यवहारिक रूप से दूसरों की भलाई करने वाले और भविष्य की का नजरिया रखने वाले इंसान के रूप में प्रतिष्ठित था। वह माता पिता से कम महत्व नहीं काना था। वह विद्यार्थी का प्रेरणा स्रोत और ऐसा हितैषी था जो उसे सत्पथ पर जाने की राह दिखाता था। उनमें चरित्र निर्माण करते हुए एक अच्छा मनुष्य और देश का अच्छा नागरिक बनाने का उसका कर्तव्य था। समाज में गुरु की ऊंची साख इसलिए भी थी कि वह निर्भर होकर बिना किसी लाग लपेट लोकहित की बात कर सकता था। पर अब यह छवि बदल रही है। थोड़े अध्यापक ही अपनी मूल छवि की रक्षा कर पा रहे हैं। आज 21वीं सदी में पहुंचकर न केवल ज्ञान की विषय वस्तु में बदलाव आया है, बल्कि पठन पाठन के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। अनुदान प्राप्त शिक्षा केंद्रों में वेतन तो बड़ा है, परंतु आमतौर पर आप देखिए शिक्षक कार्यों के साथ लगाव और रुचि में कमी आई है। तल्लीन होकर कार्य करना, उसे गंभीरता से लेना अध्यापकों की प्राथमिकता में नीचे खिसक रहा है। शिक्षा की नैतिक क्षमता और योग्यता अब दुर्लभ हो रही है और अध्यापकों के विद्यार्थियों के साथ बर्ताव को लेकर गलत आचरण की शंका बढ़ रही है और भरोसा कम हो रहा है। और यह खेदजनक है कि विगत वर्षों में अनेक संस्थानों में छात्रों को प्रताड़ित करने के मामलों में वृद्धि हुई है। इंटरनेट मीडिया के अनियंत्रित दखल से स्वस्थ और सुरक्षित शैक्षिक परिवेश की राह में बड़ी चुनौती खड़ी कर दी गई है। ऐसे में नैतिकता और शिक्षा प्रक्रिया के संबंध को न्याय और ईमानदारी की भावना से स्थापित करना आवश्यक हो गया है। सामाजिक मूल्यों और मानकों का पहलू पालन, गुणवत्तापूर्ण सिखाने की प्रक्रिया, छात्रों की आवश्यकताओं को जानकर ईमानदार और न्यायपूर्ण समाधान आज की सबसे बड़ी चुनौती है। और आज के संदर्भ में अध्यापन, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति आदि शिक्षा के विभिन्न पक्षों में तकनीकी का समुचित उपयोग करने की भी प्रभावी नीति की आवश्यकता है। और प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा संदर्भ निजी, सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं की श्रेणियों में बांटा हुआ है और इनमें भी भयानक स्तर पर भेद है। और इनके कायदे कानून, अध्यापकों को मिलने वाले अवसर, कारभार और वेतन आदि में बड़े भेद और विसंगतियां हैं। और केंद्रीय महत्व का होने पर भी बहुत कम संस्थाओं में अध्यापक का स्वायत्त अस्तित्व होता है। आज अधिकांश शिक्षा संस्थाएं तदर्थ अध्यापकों के भरोसे चल रही, खोखली हो रही। शिक्षा नीति 2022 के महत्वाकांक्षी स्वप्न को आकार देने के लिए अध्यापकों की स्थायी व्यवस्था जरूरी है। पूरी शिक्षा व्यवस्था जिस तरह व्यवसायीकरण की चपेट में है, उसका एक परिणाम कोचिंग नगरी कोटा की कथा से उजागर होता है, जहाँ विद्यार्थियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति फैल रही है। वस्तुतः शिक्षा अभी तक हमारी राष्ट्रीय विकास योजना के एजेंडे में बहुत नीचे है। शिक्षा को भगवान भरोसे छोड़ बाकी चीजों में निवेश हो रहा है। इस उदासीनता के दुष्परिणाम भी दिख रहे हैं, पर राजनीति की समाधि नहीं टूट रही है। साविद्या या विमुक्ति कहते हुए भी शिक्षा कारोबारी बनती जा रही। बाजार और व्यवसाय के ताने बाने में शिक्षक इस कारोबार का एक अदना किरदार हो गया है। शिक्षक की गरिमा स्थापित करने की अमृतकाल की संकल्पना चरितार्थ हो गई। शिक्षक लेखक शिक्षाविद और पूर्व कुलपति है, एक ग्रीस और मिस्र के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। धर्म की रक्षा करने वाले सूरवीरों के कारण ही हमारी वसुंधरा देवभूमि की संज्ञा से सुशोभित है। धर्म से जगत की रक्षा होती है। चलिए ये भी पढ़ लिया कर लीजिएगा। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये अंध विरोध की राजनीति, एक देश एक चुनाव पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया चकित कर रही है ना, तो ये उसी की बातें हो रही हैं। और ऐसे बात नहीं, 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुए भी है, लेकिन आप देखते हैं कि 1968-69 में कुछ विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था समय से पहले, तो वही परेशानी हुई। जो आप लोगों की कल क्लास ली थी ना, उसे जरूर आप लोग देख लीजिए।
बढ़ता साइबर अपराध, साइबर अपराधियों के खिलाफ डिजिटल साख जुटाने की प्रक्रिया तेज करने की जरूरत है। जब तक कि उन्हें कड़ी सजा नहीं मिलेगी, उनका मनोबल नहीं टूटेगा। कार्मल में बड़े युवाओं की संख्या। ए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अधिक युवा आबादी होने के बावजूद भारत का कार्यबल वृद्ध होता जा रहा है, यानी भारत के कार्यबल में अधिक उम्र वालों लोगों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 7 साल में आप देखिए 45 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र का जो कार्यबल एक तिहाई हुआ करता था, अब उनकी हिस्सेदारी लगभग 49% के आसपास हो गई है। भारत में रोजगार को लेकर युवाओं के सामने अनेक चुनौतियां हैं। युवाओं को रोजगार न मिलने का एक प्रमुख कारण नौकरी के पर्याप्त अवसरों की कमी है। हमारी युवा आबादी में जितनी तेजी से वृद्धि हो रही है, उसकी तुलना में नौकरियों में होने वाली वृद्धि बहुत कम है, जिससे सीमित पदों के कारण तीव्र प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी हुई है। भारत में श्रम कौशल से परिपूर्ण नहीं है। ऐसा श्रम किस काम का है जिसके पास आप देखिए कौशल ना हो। मौजूदा शिक्षा प्रणाली भी युवाओं को वर्तमान रोजगारों के अनुकूल पर्याप्त रूप से तैयार करने में सक्षम नहीं है। वृद्ध कार्यबल की स्वास्थ्य समस्याओं और घटती शारीरिक क्षमताओं के कारण कार्यों को भले ही बेकार समय से पूरा करने में कठिनाइयां हो सकती हैं, और जिससे पुराने कर्मचारियों की उत्पादकता में कमी आ सकती है और समग्र आर्थिक उत्पादन प्रभावित हो सकता है। विनिर्माण क्षेत्र जिनमें आप देखिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता अधिक है, कहाँ वहाँ पुराने श्रमिकों के स्थान पर युवा श्रमिक उपलब्ध ना होने के कारण श्रमिकों में कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे क्षेत्र जिनमें आप देखिए विशेष ज्ञान और विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, उनमें युवा कार्यबल की कमी तकनीकी प्रगति और नव परिवर्तन में बाधा बन सकती है। और युवाओं और वृद्धों के उपयोग के तरीकों में भी काफ़ी अंतर होता है। जहाँ वृद्ध ज़्यादातर बचत और जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं पर ही खर्च करते हैं, वहीं युवा जीवन की सुख सुविधाओं से संबंधित साधन जुटाने में अधिक खर्च करते हैं। इसलिए रोजगार में युवाओं की भागीदारी बढ़ने से उपभोक्ता मांग और दैनिक जीवन की सुख सुविधाओं से जुड़ी वस्तुओं को बनाने वाले उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। युवाओं की अधिक आबादी का बेहतर लाभ तभी लिया जा सकता है जब उनका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, उन्हें कौशल से युक्त करके ज्ञान अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए। ऐसा करने पर ही युवाओं की बड़ी आबादी सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम हो पाएगी, अन्यथा बेरोजगार युवाओं की बड़ी संख्या नकारात्मक परिणाम के कारण भी बन सकती है। कार्यबल में युवाओं की बड़ी भागीदारी देश की उन्नति और विकास में सहायक बन सकती है। ये आप देखिए छोटे छोटे कॉलम यहाँ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, देख लिया करिएगा। ये लोकतंत्र में गुणात्मक सुधार के उपाय। आज हमारा देश वोट बैंक की राजनीति के कारण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बुराइयों का सामना कर रहा है। राजनीति में कई लोग स्वार्थ के लिए इसे राष्ट्र और नागरिकों की सेवा करने के उपकरण के बजाय अपने पेशे के रूप में ले रहे हैं। इसलिए देश की चुनावी और राजनीतिक व्यवस्था में सुधार आवश्यक है। केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में वन नेशन वन इलेक्शन के स्वप्न को साकार करने के लिए उसके विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु एक समिति बनाने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है। और आप देखिए एक देश एक चुनाव, सहमतियाँ असहमतियाँ हैं, सबके अपने अपने तर्क भी है, तो उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ ना कि एक सामान्य जानकारी हर हाल में अपने पास रखिएगा। एक स्मार्टफोन की आप भी खरी खरी तंज कसा जाता है। बहुत कठिन है राज्यों में गठबंधन की डगर, जैसे बंगाल में ही देख लीजिए तो कांग्रेस आप देखिए वाम दल हैं, और आप देखिए इनकी कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी की। डिजिटल गतिविधियों की सुरक्षा। ऑनलाइन गतिविधियों में व्यापक तेजी के साथ ही इसमें ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने समन्वित साइबर सुरक्षा कानून लाए जाने पर जोर दिया है। नई सड़कों के निर्माण पर खर्च होंगे 3 लाख करोड़, और समीक्षा बैठक में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों से रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है। बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्राथमिकता देने के अपने मिशन में शिथिल नहीं देखना चाहती है सरकार। इंटरनेट मीडिया पर उठाए गए तुरंत जवाब दें अफसर। चलिए 315 लाख करोड़ रुपये के नए शिखर पर BSE का पूंजीकरण। 5.41 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा बढ़ा है पूंजीकरण लगातार 2 कारोबारी सत्रों में। 240 अंक की बढ़त के साथ आप देखिए 65,628 स्तर पर हुआ सेंसेक्स। SBI ने CBDC पर UPI सेवा शुरू की है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बफर स्टॉक से 36,250 टन की प्याज की बिक्री की बात हो रही है। पेटीएम के साउंड बॉक्स पर कार्ड से भी होगा भुगतान, अब आप देखेंगे। होंडा मोटर्स ने पेश की नई SUV एलिवेट। MSME ने लिया 10% अधिक कर्ज। 19.7% की वृद्धि रही है सभी प्रकार के कर्ज में अगस्त तक पिछले वित्त का समान अवधि के मुकाबले। वित्त मंत्रालय ने शुरू किया अंतरिम बजट की तैयारी, अब UPI पर भी मिलेगी कर्ज की सुविधा।
ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। पाकिस्तान में अपहरण, अराजकता के विरोध में सड़क पर उतरे हिंदू। और आप देखें अल्पसंख्यकों की हालत पाकिस्तान में क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। आज़ादी के बाद बहुत सारे हिंदू परिवार यहाँ गए हुए थे, आज आप देखिए ना के बराबर बसे हुए हैं यहाँ। पुतिन बोले खाद्यान्न निर्यात को लेकर नहीं कर रहे हैं नई संधि। राष्ट्रपति जेल सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप में रक्षा मंत्री को हटाया। देखिए रक्षा खरीद को लेकर भ्रष्टाचार का मामला मीडिया में आने के बाद सख्ती। भारत की मदद से नेपाल में पुनर्निर्मित 5वीं सदी के बौद्ध स्तूप का लोकार्पण होने की बात हो रही है। ये 4 महीने का अभियान पूरा कर धरती पर लौटे 4 अंतरिक्ष यात्री। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने रहने के बाद 4 अंतरिक्ष यात्री सोमवार तड़के धरती पर लौटा है। उनका स्पेस एक्स कैप्सूल फ्लोरिडा तट के दूर अटलांटिक सागर में उतरा है। और नासा के अध्ययन अंतरिक्ष यात्री स्टेफन वोवेन और वारेन वुडी होबर्ग, रूस के आंद्रेई फेदेव और यूएई के सुल्तान अल नयादी इस अंतरिक्ष अभियान के पूरा करने के बाद धरती पर आए हैं। नासा और आप देखिए स्पेस एक्स द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे क्रू 6 मिशन के अंतरिक्ष यात्री गत रविवार की सुबह 7:05 अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना हुए थे। और इस मिशन के बारे में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा है कि इस अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने मिशन के दौरान आप देखेंगे 7,88,75,292 मील की यात्रा की है और अंतरिक्ष स्टेशन पर 184 दिन रहे हैं। इस दिन इस दल ने पृथ्वी के चारों ओर 2,976 परिक्रमाएं पूरी की हैं। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। नेपाल ने खोली भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की पोल। नेपाल को 10 विकेट से हराकर भारतीय टीम एशिया कप के सफर 4 में पहुंची है। क्रिकेट हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये भी आप जानते हैं। एसीआर से पहले मुक्केबाजी टीम चीन में करेगी ट्रेनिंग। दीक्षा 7वें स्थान पर रही है। भारतीय गोल्पर दीक्षा डागर ने अच्छी शुरुआत के बाद लय खो दी और अंतिम दौर में 2 अंडर 70 के स्कोर के साथ आप देखिए केपीएमजी महिला आयरिस ओपन में 7वें स्थान पर रही है। पनामा के फुटबॉलर की हत्या हो गई है, आप देखेंगे पनामा के डिफेंडर गिलबर्टो हर्नांडेज की। धावक अमलन एशियाई खेलों की टीम में होंगे। जोकोविक और कोको गफ क्वार्टर फाइनल में स्वाति खारी। ये आप देखिए यूएस ओपन हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। इंटर मियामी की जीत में फिर चमके लियोन मेसी। ये आप देखिए ये भी देख लिया करिएगा, अध्यात्म भरोसा करते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। तो ये आप देखिए लखनऊ में आरएसएस के वरिष्ठ विचारक वीरेश्वर द्विवेदी का डेथ हो गई है। 17 अगस्त 1945 में जन्म हुआ था इनका। श्री राम आंदोलन में भी ये शामिल रहे थे। और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। यहाँ आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के लिए पॉइंट मिल जाते हैं यहाँ। साहसी एयरो स्पेस नीरजा ने बचाई थी 359 यात्रियों की जान। और 1986 में आज ही पैन एएम एयरलाइंस की विमान परिचारिका नीरजा भानोट ने 3,059 यात्रियों की जान बचाई थी। फ्लाइट ने मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी थी और विमान को कराची में आतंकियों ने हाईजेक कर लिया था। नीरजा ने इमरजेंसी गेट से यात्रियों को बाहर निकाला और आतंकियों ने से लोहा लेते हुए बलिदान हो गए थे। अमेरिकी मुक्केबाजी मोहम्मद अली ने ओलंपिक में जीता पहला गोल्ड। 1960 में आज ही मुक्केबाज मोहम्मद अली ने लाइट हैवी वेट फाइनल मैच में जीतकर पहला स्वर्ण पदक हासिल किया था। नस्ली टिप्पणियों से निराश होकर उन्होंने यह स्वर्ण पदक नदी में फेंक दिया था और उन्होंने 1964, 1974 और फिर 1978 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। प्रज्ञान ओझा के नाम आईपीएल में पर्पल कैप का रिकॉर्ड। ये भारतीय क्रिकेट टीम ने पूर्व लेग स्पिनर प्रज्ञान ओझा का जन्म 1986 में आज ही के दिन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। प्रज्ञान के नाम आईपीएल के पर्पल कैप का रिकॉर्ड है। वह आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले स्पिनर हैं। आईपीएल 2010 में उन्होंने 16 मैचों में 21 विकेट लिए थे, इसके बाद चर्चा में आए थे।
प्रज्ञान ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 28 जून 2008 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। उन्हें उन्हें 24 टेस्ट, 18 वनडे और 6 टी20 मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। विदेशी प्रजातियों के आक्रमण से जैव विविधता खतरे में है, IPVES द्वारा तैयार रिपोर्ट द असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इनवेसिव एलियन स्पीसीज एंड देयर कंट्रोल में भी दी गई जानकारी है। और 60% आप देखिए वैश्विक पौधों जानवरों के विलुप्त होने में घुसपैठिया एलियन प्रजातियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2019 में घुसपैठिया एलियन प्रजातियों की वजह से वैश्विक स्तर पर सालाना 423 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हुआ था नुकसान। बढ़ा रहा है यह आंकड़ा, 3500 से अधिक आप देखिए घुसपैठिया एलियन प्रजातियां सहित 37,000 से अधिक स्थापित विदेशी प्रजातियां दर्ज की गई दुनिया भर में। और 80% देशों के पास एलियन प्रजातियों के प्रबंधन से संबंधित लक्ष्य, लेकिन 17% के पास ही कानून। अफ्रीकी जलवायु सम्मेलन आप देखिए केन्या की राजधानी नैरोबी में सोमवार को अफ्रीका जलवायु सम्मेलन 2023 का शुभारंभ होना है। यह पहला अफ्रीकी जलवायु सम्मेलन है। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने जलवायु परिवर्तन पर सभी आवश्यक प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग की है। खराटा के उपचार से सीने में जलन की समस्या भी हो सकती है, कब अनुसंधान कर रहे। बंगाल में तेजी से घट रही है नीलकंठ पक्षियों की संख्या, खतरे का अस्तित्व भी दिखाई दे रहा है। पेशों के बाद 17% में डायबिटीज रही बरकरार, बांग्लादेश श्रीलंका की तुलना में भारत में महिलाओं को पेशा के बाद यह समस्या कम है। मोटापा खराब जीवन शैली पेशों के बाद महिलाओं को बनाती है डायबिटीज की मरीज। चीन में बच्चों की सुलाने की फीस ले रहा है स्कूल, बच्चों को सुलाने की, देख लीजिए। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं, ये भी पढ़ लिया करिएगा आप लोग, पढ़ना हुआ करे तो। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सुझाव हो, मेरे लिए सवाल हो, तो आप लोग जरूर बताइएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए है।